का जो मार मार सेना के बारे में बताया गया है, तो उस मार सेना का जो आज आखिरी पड़ाव है, जो आठ मार सेना देखे हमने और ये नवी और दसवीं आज हम देखने वाले हैं, और ये दस प्रकार की मार सेना हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये हमें पीछे खींच लेती है। हम अगर अच्छा कार्य करने जाते हैं तो ये हमें पीछे खींच लेती है। तो हमने अभी तक जो आठ देखी थी, तो पहले देखी थी कामाते पठमा सेना, द्वितीय आरति विच्छति, तृतीया खुपी पाशाते, चतुर्थी तन्ना पौच्छति, पंचम थी निद्यते, छठा भीरु पौच्छति, सप्तमी विचिकित्साते, मखो थम्बोचते अठमो, अर्थात ये आठ हमने सेनाएं देखी थी। तो पहली सेना काम सेना देखी, दूसरी अरति सेना देखा, तीसरी भूख और प्यास को देखा, चौथी तृष्णा अर्थात वासना सेना देखा, पांचवा आलस और छठवा डर, सातवा कुशंका या विचिकित्सा देखा, और आठवीं सेना पिछले सप्ताह में हमने देखा, इसको पिछले सप्ताह में ईर्ष्या, मखो थम्बोचते अठमो, है ना, तो जड़ता और मूढ़ता जिसको कहते और ईर्ष्या जिसको कहते, इस प्रकार देखा। आज हम देखेंगे लाभो सीलो को सकारो, क्या कहते हैं बुद्ध, लाभो सीलो को सकारो, मिच्छा लद्दो चयो यसो, अर्थात लाभो सक, लाभो अर्थात लाभ, सीलो को सकारो, सकार यानी सत्कार, आदर सत्कार, सीलो के यानी प्रशंसा, तो लाभ प्रशंसा आदर सत्कार, ये जो सेना है ये बड़ी खतरनाक है। कहते हैं कि ये जो सेना है नवी और दसवीं, लाभ सत्कार, और हर कोई आदमी लाभ चाहता है, मुझे आदर सत्कार मिलना चाहिए चाहता है, और मेरी प्रशंसा हो चाहता है। तो बुद्ध यहां कहते हैं कि लाभ सत्कार और प्रशंसा, लेकिन ये कैसी, तो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, लाभो सिलो को सत्कारो मिच्छा लद्धो चयो यसो, मिच्छा अर्थात गलत, मिथ्या, मिथ्या माने गलत, मिच्छा लद्धो चाहिए अर्थात अनुचित, गलत अनुचित, या उसको झूठा भी कह सकते हैं। तो यहां बुद्ध कहते हैं कि अनुचित ढंग से मिलाया हुआ यश, फिर वो लाभ हो लाभ सत्कार हो या प्रशंसा हो, जो अनुचित ढंग से मिलाया गया यश है, और ये तेरी मार सेना बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमेशा ये अनुचित ढंग से ही लाभ चाहता है, आदर सत्कार चाहता है, मेरी प्रशंसा हो, इस प्रकार ये आदमी इसी में डूबा हुआ रहता है। और आप देखिए हमारा जीवन अगर देखेंगे तो हम लाभ आदर सत्कार, मुझे आदर सत्कार मिलना चाहिए, अगर किसी कार्यक्रम में या घर के परिवार से भी अगर हम शुरुआत करते, अगर किसी को हमने हमारे घर में कार्यक्रम है और किसी को हम बुलाना भूल गया, कभी कभी भूल हो जाती है, तो वो जिसको नहीं बुलाया उसको कितना गुस्सा आता है कि वो चाहता कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, सब लोगों को बुलाया और मुझे ही भूल गया, अच्छा मैं देख लूंगा इसको, आएगा मौका। तो इस प्रकार हम कितने मान सम्मान के लिए, आदर सत्कार के लिए भूखे रहते हैं, और यही कारण है कि कलह झगड़ा लड़ाई घर परिवार से शुरुआत होती है। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते या कभी दामाद को अगर हम भूल गए कुछ बात के लिए, तो उनको क्या लगता है कि मुझे नहीं पूछा है, बाकी लोगों को पूछ लिया और मेरे को सम्मान देना है, मैं दामाद हूँ, बड़ा घर का दामाद हूँ। इसी प्रकार समाज में जाते हैं हम लोग, तो समाज में भी अगर किसी भूलवश या कुछ कारणवश नाम अगर नहीं आया, तो फिर हम कहते वाह उनको बुलाया मेरे को नहीं बुलाया, बाकी पैसा मांगने के लिए बराबर आ जाते कि दान दो, और दान देने के लिए बराबर घर दिखाई देता, और यहाँ कार्यक्रम था उसमें मुझे बुलाया नहीं। इस प्रकार हम सम्मान के कितने भूखे होते हैं। और ये बात यही नहीं,
तो क्या कहते हैं, सत्कार और प्रशंसा होनी चाहिए। अगर मेरी प्रशंसा होनी चाहिए और वो अनुचित ढंग से, ऐसा होता है कि एक बार एक नेता भाषण देने के लिए खड़ा हो गया और भाषण दिया उसने। भाषण देने के बाद में जिसने आयोजक थे, आयोजक को बुलाया और उन्होंने पूछा, बोले भाई आपने ये जो 150 जो फूल की मालाएं जो लाए, आपने 150 ही फूल की मालाएं लाए। बोले मैं तो लाया था, बहुत सारे लाया था। नहीं नहीं 150 ही फूल की माला लाए थे, मैं तो 500 मालाओं का पैसा दिया था तुम्हें कि 500 मालाएं लाना, 500 लोगों ने मेरा सम्मान करना चाहिए। तो आयोजक क्या कहता है कि भूल हो गई होंगे, अगली बार देखेंगे। अगली बार नहीं, मैंने 500 माला दिया था पैसा उसका, और तुमने 150, इसका मतलब वो गिन रहा था कितनी मालाएं मुझे पहनाई जा रही है, क्योंकि उसने पूरे 500 मालाओं का पैसा आयोजक को दिया था। तो इस प्रकार हम कैसा लाभ चाहते, कैसा सत्कार चाहते, और अक्सर ऐसे ही होता है। अगर ये भीड़ देखते, हम कभी कभी ट्रकों से चले जाते, बसों से चले जाते, भीड़ काहे के लिए दिखाते कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूं। तो इस प्रकार हम सामाजिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि लाभ और सत्कार में कितने भूखे रहते हैं, है ना। और इसलिए हम धीरे 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 अगर देखते परिवार से लेकर, परिवार की अपने सदस्य जो भी रहते हैं उनसे लेकर, समाज में जब सामाजिक कोई कार्य होता है वहां भी हमारा मान सम्मान आड़े आ जाता है। और फिर हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे बाबा साहब की जयंती करना है और आपने 500 रुपए दिया है, तो आपको वहां बुलाकर आपका सम्मान करना है, लेकिन भूल जाते सम्मान करना, फूल देना भूल जाते है, क्योंकि 500 रुपए दिया है, काय के लिए दिया था कि मुझे सबके सामने वहां बुलाएंगे और मेरा सम्मान होगा, लेकिन भूल गए। और फिर उनका देखना कि तूने मेरे से पैसा लिया और सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। इस प्रकार हम क्या है कि हमारा लाभ सत्कार, सत्कार होना चाहिए, आदर सत्कार होना चाहिए, और हमारी प्रशंसा होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा बोलता हूं, कितना अच्छा दान देता हूं, कितना अच्छा कार्य करता हूं। अगर हमारी प्रशंसा नहीं होती तो हमें दुख हो जाता है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं कि ये सेना बहुत खतरनाक है, आखिरी आखिरी में रखी आ नवी और दसवीं सेना जो है, ये है प्रशंसा करना तो क्या कहते, फिर उसके बाद का क्या है, निंदा करना। तो दूसरी लाइन क्या कहते, यो चत्तानंग समुकं से परे संग्न अविजानती, अर्थात दूसरों की चुगली चढ़, दूसरों की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना, ये तेरी मार सेना खतरनाक है। दूसरों की प्रशंसा नहीं सहन होती, और अपनी प्रशंसा करने के लिए हम तैयार रहते हैं और दूसरे की निंदा करते रहते हैं। इसलिए क्या है कि यही चलता है कि दूसरे कैसे कहते, तो इसलिए हम देता है जब राजनेता, जब देखते हैं हम चुनाव आता है तब देखते हैं हम एक दूसरे के ऊपर कैसे कीचड़ उछालते हैं और अपनी कैसी प्रशंसा करते हैं, तो हम वहां देख पाते हैं ये नजारा। तो ये राजनीति तक ही नहीं सीमित, ये धार्मिकता में भी है। आप सोचते होंगे कि खाली राजनीति में, नहीं, समाज में नहीं, घर में नहीं है, ये सब तरफ है, ये धार्मिकता में भी है। हम बड़े धार्मिक कहते हैं, धार्मिक जैसे आयोजन करते वहां भी हम सम्मान के भूखे होते हैं। हमारी वहां हमें लाभ होना चाहिए, हमें लाभ अर्थात हम अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें से हमें लाभ भी देखते कि अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो इस प्रकार हम लाभ भी देखते हैं उसमें। अगर जिसमें लाभ नहीं उसको छोड़ देते हम, और फिर हमारा सत्कार भी होना चाहिए वहां कि देखो कितना अच्छा काम किया है, और उसके बाद अगर कुछ हो गया तो किसी की निंदा करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, निंदा भी करते हैं। तो इस प्रकार ये धार्मिक क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, एक अतुल नाम का एक उपासक था, बहुत ही अच्छा उपासक था, लेकिन वो हमेशा बुद्ध के तरफ लोगों को भेजता कि जाओ बुद्ध को सुनने के लिए जाओ, बुद्ध का उपदेश बहुत अच्छा है, बुद्ध की जो शिक्षा है बहुत ही ग्रहण करने लायक है, अपना जीवन बदल जाता है।
तो वो किसी को भेज देता था अपने वहां, बहुत दूर दराज से लोगों को भेजा करता था बुद्ध को सुनने के लिए, और सही में बुद्ध के पास जाने के बाद उसका परिवर्तन हो जाता था। वो जाकर उनको धन्यवाद देता था कि सही में आपने जहाँ भेजा बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार अतुल नाम का एक बहुत ही उपासक था। एक बार वो 500 लोग उनके आसपास के सब मिलकर हम कहने लगे कि हम एक साथ सबके सब चले जाएंगे बुद्ध को सुनने के लिए। तो अतुल भी तैयार हो गया और अतुल ने सभी 500 उपासक के साथ वो बुद्ध के पास जाने लगा। और बुद्ध के पास जाने के बाद में फिर क्या कहता है कि उसको वहां वो जो चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। उसको सम्मान नहीं मिलने के कारण वो कैसा हो गया था, गुस्सा होकर जाता था, और वही हम करते गुस्सा हो जाते। तो बुद्ध के पास गया और कहते बुद्ध को फिर कि अमुक अमुक के पास गया, उन्होंने मुझे नहीं बताया, दूसरे के पास गया वो भी नहीं, कैसे भगवान, कैसे आपके बड़े बड़े शिष्य, बड़े बड़े प्रधान शिष्य और सुनते ही नहीं, और कोई उपदेश भी अच्छे से नहीं देते। तब भगवान कहते हैं, बुद्ध कहते कि अतुल तू जो कह रहा है ना, अगर कितना भी आदमी बताए, क्या कहते है? क्या कहते बुद्ध उनको, पुराण मेत्त अतुलंग नेतंग अजित नामिव निंदती तन्हु मासिनं निंदती बहुभानं मित्त भानुनं पि निंदती नथी लोके अनिंदितो। इस संसार में ऐसा कोई भी, ये संसार लोक माने संसार अतुल, क्या कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी आदमी नहीं कि जिसकी निंदा ना होती हो, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं कि जिनकी प्रशंसा ना होती हो। तो अतुल कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर कोई तन्हुमासिनंग, अगर कोई बोलता ही नहीं, चुप है, मौन है, उसकी भी निंदा होती है, और अगर कोई बहुभानिनंग अर्थात बहुत बोलता है उसकी भी निंदा होती है, और जो ज्यादा भी नहीं बोलता और चुप भी नहीं रहता, धीरे धीरे बोलता, उसकी भी निंदा होती है। तो इस संसार में ऐसा कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि जिसकी निंदा नहीं होती। तो तू भी जो कह रहा कि वो ऐसी बात है कि निंदा हमें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम उस बात को नहीं समझते अतुल, इसीलिए हम निंदा करते, और न चाहूं न च भविष्यति न चेत रही विच्छति। बुद्ध कहते न चाहूं न भविष्यति न चेत रही विच्छति। तो इस संसार में फिर भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, तीन ही कालों में खोजोगे अतुल तो भी ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। एकंतंग निंदती, क्या कहते, एकंतंग निंदती पोसो एकंत वा प्रशंसितो। तो ऐसा एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जिसकी निंदा नहीं होती हो और जिसकी प्रशंसा नहीं होती हो। इस बात को छोड़ और तुझे जो पूछना है तो पूछ। तो आया है 500 लोगों के साथ, तो तोर जो पूछना है वो पूछ, और तुझे क्या चाहिए। और फिर उनको बुद्ध कहते हैं पंचशील का उपदेश देते हैं कि आदमी ने पंचशील का पालन कैसा करना चाहिए। और फिर पंचशील अर्थात वहां से शुरुआत करते हैं कि पाणाति पाता वेरमणि, और यहां से फिर पंचशील की शिक्षा देते हैं, और धीरे धीरे उनमें एक दो कहानी बताकर फिर उनको उनको जब वो अतुल और उनके 500 जो लोग रहते खुश होते हैं और धन्यवाद देते बुद्ध को। तो इस प्रकार हमारी जो यहाँ कहते कि बुद्ध कहते हैं यहाँ प्रधान सूत्र में मार सेना खतरनाक सेना है, कि ऐसा कोई भी आदमी यहाँ हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहता है वो अपनी प्रशंसा, लाभो शिलो को सत्कारो, अर्थात लाभ आदर सत्कार और प्रशंसा का आदमी भूखा है। और ये सेना आपको अगर अच्छा भी कार्य करने जा रही तो भी आपको ये रोड़ा बनकर खड़ी हो रहेगी। अब धार्मिकता में भी अगर देखेंगे हम, तो हमें लगता है कि अमुक अमुक का स्वागत नहीं हुआ, अमुक अमुक को फूल नहीं दिया, अमुक अमुक को प्रवचन के लिए नहीं बुलाया, तो इस प्रकार यहां भी ऐसे ही लगता है।
कोई अगर अच्छा प्रवचन देता है या उसकी निंदा होती है कि अरे उसने ऐसा कौन सी मार बात बताई, और कोई प्रवचन ठीक से नहीं देता तो उसकी भी निंदा होती कि अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता है। लेकिन हम ये प्रवचन देने वाला या प्रवचन न देने वाला इसको देखते हैं, लेकिन जो सही मायने से आचरण करता है वो आचरण वाले को देखना चाहिए हमें कि ये आचरण करता है। हम उनके भीतर को, हम बुद्ध कहते अट्टा ही अत्तनो नाथो, तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं है मालिक, तो तुम स्वयं मालिक हो, अपने आप को जागृत करो। लेकिन हम इधर उधर भटकते हैं और हम निंदा में पड़े रहते हैं और प्रशंसा में पड़े रहते हैं। तो अनुचित ढंग से कैसा, तो अनुचित ढंग अर्थात गलत, मिथ्या अर्थात मिथ्या लद्दो तो ये सो। तो अक्सर हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम प्रशंसा गलत ढंग से या निंदा या लाभ या सत्कार गलत ढंग से किस प्रकार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम कोई कार्यक्रम रखा है, कोई भी सभा का, कोई भी सभा हो, समिति हो, तो वो क्या कहता है वहां, वो देखता है कि मेरा इसमें कुछ कितना पैसा बचा पाऊंगा इस समिति में से। अगर मान लो अम्बेडकर जयंती मनाना है तो एक समिति बन जाती है, और समिति बनकर फिर उनको पद दिया जाता है, तो फिर वो कहता कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा, और उसमें लाभ मैंने उसको कोशिश करता है कि इसमें से मैं रिक्शा में कितना पैसा बचाऊंगा, पेट्रोल में कितना पैसा बचाऊंगा और कितना लिखूंगा, ये उसमें से लाभ भी देखता है। और फिर एक का हाथ में रहता तो वो मेजोरिटी में रहता है, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद में वो नाम होता है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, इतने लोगों को बुलाया, इतने घर में हमने दरवाजे खटखटाए, लोगों को इकट्ठा किया, ये प्रशंसा भी लेना चाहता है। और सारा कार्यक्रम होने के बाद में उसके बाद में जाकर वो स्टेज के पीछे जाकर शराब की बोतलें खुलती है और फिर अपना अपने बताते कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, बहुत अच्छा लगा। तो ये है सामाजिक। आप देखते होंगे कई बार, हमें पता है कि अम्बेडकर जयंती हो या ऐसे कोई कार्यक्रम होते तो यहाँ हम अक्सर हमें ऐसा लगता कि हमने बहुत अच्छा काम किया, और ये इसमें हम देख नहीं पाते कि हमने क्या गलत किया है। और इसलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं कि हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो बुद्ध के बाद में एक बोधिसत्व, बहुत से बोधिसत्व हो गए, बोधिसत्व बाबा साहब भी थे, और बाबा साहब ने इसीलिए बाबा साहब के अगर जीवन में देखेंगे तो उनके बैंक बैलेंस में पैसा कितना था आप देख सकते हैं। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, सारा क्या कहते हैं मैत्री भावना में, जब हम मैत्री भावना कहते हैं कि मैं इन लोगों के दुख दूर करने के लिए अगर मेरी जान भी नौशहर करना पड़े तो मैं जान भी नौशहर कर दूंगा, और जितने भी दुखी लोग हैं जो जो मैंने पुण्य कर्म कमाया वो पुण्य कर्म भी मैं उनको दे दूंगा, उनको दुख से मुक्त करने के लिए। बोधिसत्वों का ये भाव रहता है। और जब ये भाव कब आएगा, ये भाव आएगा कहां से आएगा कि हम बुद्ध को पहले समझेंगे। हम बुद्ध को ही नहीं समझते, बहुत से जगह हमने देखा बुद्ध को ही नहीं समझते। जिस समय बुद्ध समझ में आएगा कि बुद्ध क्या है, बुद्ध में कौन से गुण है, तो हमने वो त्रिरत्न वंदना, जब कहते हम वो त्रिरत्न वंदना में उनके गुणों को देखना चाहिए। और जब तक उनके गुण नहीं देखेंगे हमें बुद्ध नहीं समझ में आएगा, और जिस समय बुद्ध समझ में आएगा अपने आप आपके अंदर प्रेरणा मिलते रहेगी और आप उस प्रशंसा से, लाभ सत्कार से, निंदा से बाहर निकलेंगे। कहीं भी देखिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं सब करना चाहिए, मैंने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, मैंने पैसा रखना चाहिए, मैंने लोगों को बुलाना चाहिए, अगर दूसरा बुलाता तो उसको मक्खी की तरह निकाल देते, इसको धार्मिक नहीं कहते। तो इसलिए बोधिसत्व शांतिदेव ये क्या कहते हैं, शांतिदेव बहुत ही अच्छा, अगर आप पढ़े होंगे बोधिचर्या अवतार, और आप पढ़ते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते होंगे, और उसमें नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित बोधिचर्य अवतार पढ़िए, बहुत ही अच्छा। उसमें शांतिदेव ने वो उसमें दान पारमिता से प्रज्ञा पारमिता तक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है उसमें। उसमें क्या कहते हैं, अब ये बड़ी बात है लेकिन आप बहुत दिनों से सुनते हैं, भले ही मैं ये बड़ी गंभीर बात है लेकिन आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्या कहते हैं
एके चित्त दुखिता लोके सर्वे आत्म सुखे चया। और ये संस्कृत है, संस्कृत में ये श्लोक है, शांति देव आचार्य शांति देव जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जिनको बोधिसत्व जिनकी बहुत ही हम आदर सत्कार करते हैं, उनका बहुत सम्मान देते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पूजा लिखी, सप्तांग पूजा लिखी उन्होंने बोधिचर्य अवतार में, आप देखेंगे उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है बोधि शांति देव ने। तो वो क्या कहते हैं उसमें, एके चित्त दुखिता लोके सर्वे आत्म सुखे चया, एके चित्त सुखिता लोके सर्वे अन्य सुखे चया। शांति देव कहते हैं इसमें कि इस संसार में जो लोग दुखी है वे इसलिए दुखी है कि वे स्वयं के सुख के लिए प्रयत्नशील है। देखिए क्या कहते, दो बातों में बोधिसत्व की पहचान करा देते आचार्य शांति देव। अगर हम गंभीरता से इनको देखें तो हम इधर उधर भटक ही नहीं सकते, कितना त्याग था उनका, उनके बोलने में क्या उनकी कल उनके अंदर की चोट है। वो क्या कहते हैं कि जितने भी लोग इस संसार में दुखी है वे इसलिए दुखी है कि वे अपने सुख के लिए प्रयत्नशील है। एके चित्त दुखिता लोके सर्वे आत्म सुखे चया, और क्या कहते हैं, एके चित्त सुखिता लोके सर्वे अन्य सुखे चया, और इस संसार में जितने भी लोग सुखी है वे इसलिए सुखी है कि वे दूसरों के सुख के लिए प्रयत्नशील है। दो लाइन में सारा बोधिसत्व का जो पारमिता कहते हम बोधिसत्व झलकता है इसके अंदर, और इसलिए बोधिसत्व शांति देव है। क्या कहते हैं कि मैं ये कहता हूं, कहते हो कि जो लोग दुखी है वो अपने सुख चाहते, अपने स्वार्थ चाहते, अपने मतलब के लिए करते हैं, जो भी लाभ हो सत्कार हो प्रशंसा हो वो अपनी प्रशंसा करते, अपने प्रशंसा करते, दूसरा क्या कर रहा उसको अगर दुख भी देना है तो उसको दुख देकर उसके छाती पर पैर देखकर बाहर निकलना चाहता है और अपने सुख के लिए, और इसीलिए वो दुखी होता है, सुखी नहीं होता है वो आदमी जो दूसरों को दुख देना चाहता, अपना सुख अपना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है तो वो सुखी नहीं हो सकता है। आपका भी अंदाज देखिए, आप भी देखिए, अपने आप को देखना चाहिए कि जो दूसरों को आपने मदद कर सकते हैं, दूसरों के सुख में अगर दूसरे के दुख में अगर आप कुछ तो भी मदद करते हैं तो जो आनंद आपको आता है वो आनंद पैसों में नहीं आएगा, सम्मान में नहीं आएगा, वो अंदर का आनंद आप बयां नहीं कर सकते। अगर किसी को इस रोड से अगर कोई महा कोई बुद्धा कोई आदमी अंधा आदमी है और उसको दिखाई नहीं देता, उस आदमी को अगर इस किनारे से उस दूसरे शोर पर रोड पार कर देते हैं तो वो जो आपको खुशी मिलेगी वो खुशी पैसे भी नहीं खरीद सकती। आपको इतना आनंद होता कि मैं एक आदमी को रास्ता दिखा दिया, और इसलिए शांति देव कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि संसार के लोग सुखी हो और दूसरों के काम में आ सके। शांति देव कहते फिर क्या कहते हैं, और शांति देव इतना कहते रुकते नहीं, बोधिचर्य अवतार में कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, मुच्यमानेषु सर्वे मुच्यमानेषु सत्वेषु वेषे प्रामोद्य सागराः तैरेव नन्नु पर्याप्तः मोक्षन अर्षिकेन की। क्या कहते हैं शांति देव अपने आप को, कहता है कोई कहता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, किसलिए सुख लोगों के सुख में क्यों लोगों को मदद कर रहे हो आप, आप लोगों को मदद करने में तुमको क्या मिलने वाला है। तो बोधिसत्व ये शांति देव कहता है, क्या कहता है कि जब मैं लोगों को दुख से मुक्त होते देखता हूं, क्या कहता है, उच्च मानेषु सत्वेषु, सत्वेषु माने प्राणी जो मरणाधीन हो रहे हैं, जो दुखी है जो पीड़ित है, ऐसे सत्व ऐसे प्राणी जब दुख से मुक्त होते देखता हूं तो मेरे मन में जो आनंद की लहरें उठती है कि मैं उनके कुछ काम आया हूं, वो काम आया हूं इसकी जो मेरे मन में आनंद की लहरें उठती है, जिस प्रकार सागर में लहरें उठती है उस सागर के प्रमद्य सागर रहा, उस सागर की भी लहरें कम है लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद मुझे होता है जब कोई दुख से मुक्त हो रहा है, जब मैं कोई हाथ भार लगाता हूं उसको मदद करता हूं और वो दुख से मुक्त होने के लिए आगे आता है तो मुझे जो आनंद होता है वो सागर की लहरें से भी ज्यादा मुझे आनंद होता है।
और ऐसा आनंद मैं क्यों खू? क्या कहते आगे, आगे क्या कहते, तेरे व ननु मोक्ष तेरे व ननु पर्याप्त मोक्षे न और सिके न की, अर्थात और ये जब मैं आनंद देखता हूं और अगर मैं किसी काम में ना आऊं और काम में अगर नहीं आऊं और काम में न आने के कारण मैं भी अगर मेरा मोक्ष मेरी मुक्ति प्राप्त करूं बिना किसी को मदद करे, तो ऐसा रसहीन जिसके कोई रस नहीं है कोई स्वाद नहीं है ऐसा स्वादहीन कार्य करके मैं मोक्ष क्यों प्राप्त करूं? इसलिए मैं किसी की मदद करता हूं और ये मैं बोधिसत्व का काम करता हूं। कितनी बड़ी बात शांतिदेव कहते हैं, ये इशारा करते हैं हमारे लिए, क्या कहते हैं कि किसी के भी काम में आना चाहिए, दूसरे के लिए मदद में, दुख के लिए, जैसे हमने कोरोना के समय किया है। बहुत से लोगों ने क्या किया कोरोना के समय में भी, उसमें से पैसा अपना पैसा बचाया, अपना घर बसाया, लेकिन जो प्रामाणिकता से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लोग जहां जहां जगह जगह जाकर खाना से लेकर अनाज से लेकर कपड़े से लेकर क्या क्या अपने अंतकरण से दिया, ये बोधिसत्व का काम है। और ये काम को ही शांतिदेव कहते हैं कि इसमें जो मुझे सुख मिलता है आनंद मिलता है वो सागर की लहरें भी कम पड़ जाएगी, उससे भी ज्यादा मेरे आनंद में आनंद की लहरें उठती है। तो मैं ऐसा चुप बैठकर लोगों की मदद ना करते हुए अपना ही मोक्ष प्राप्त कर अपना ही निर्वाण प्राप्त कर क्या करूं? कितनी बड़ी बात कहते हैं शांतिदेव। और इसीलिए ये अगर बात हमारे अंदर आ जाएगी तो हम निंदा करना छोड़ देंगे, हम लाभ के पीछे भागना छोड़ देंगे, हम अपनी प्रशंसा में छोड़ देंगे, काम करते रहेंगे। और जब हम काम करते रहेंगे तो निश्चित ही हमें उसका आनंद कोई दूसरा तीसरा नहीं दे सके, हम स्वयं देख सकते हैं। और इसीलिए बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है बुद्ध ने, यही कहा है कि जो आनंद आपको मिलता है तो उसमें कहा अत्ता ही अत्तनो नातो, तुम खुद ही अपने मालिक हो, कोई दूसरा तुम्हें मदद करने वाला नहीं, कोई दूसरा तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता। यह आनंद तुम खुद तैयार कर सकते हो और देश भी तुम निर्माण कर सकते हो, रास्ता तुमको चुनना है। अत्ता ही अत्तनो नातो कोई नाथो परोसे अत्तनाओ सुदंते नाथं लभति दुर्लभं, और ऐसा नाथ मिलना कठिन है, ऐसे ही नहीं होता है। बुद्ध बनने के लिए उन्होंने बुद्ध तो प्राप्त किया तो ऐसे ही नहीं बने, तो उन्होंने क्या करना पड़ा, उनको घर से निकलना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा उनको। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो कोल्हे शाक्य कोल्हे का झगड़ा शांत हुआ, तो वहां के कुछ लोग सिद्धार्थ को बताने आए कि चलो वाद शांत हो गया है चलो वापस, लेकिन सिद्धार्थ गौतम गए नहीं, क्योंकि उनका मकसद क्या था कि लोग दुखी है, इस दुख से मुक्त कैसा करूं, ये बोधिसत्व का काम है। राजा बिंबिसार के पास में जाता है राजा बिंबिसार क्या कहता है सिद्धार्थ गौतम को कि राजकुमार अगर तुमने वहां अगर तुम राज्य छोड़कर आ गए तो कोई बात नहीं, मेरा जो राज्य है आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूं, हम दोनों मिलकर आधा आधा राज्य करेंगे। कोई राजा अपना राज्य छोड़ता है क्या? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कोई राजा अपना एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ता, आक्रमण करता है। और वही राजा बिंबिसार कितने आक्रमण करके राज्यों को जोड़ा था, राजा प्रसेनजीत ने कितने राज्यों को जोड़ा था, और ये राज्य देने के लिए, इसका मतलब सिद्धार्थ गौतम को जानते थे, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व थे। और सिद्धार्थ गौतम, राजा प्रसेनजीत और राजा बिंबिसार ये तीनों एक ही जगह पढ़े लिखे सीख रहे थे, विद्यार्थी थे, सब्बमित्त नाम के ऋषि के पास, मुनि के पास में ये सीख रहे थे, सांख्य दर्शन सीखने के लिए गए थे। राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ गौतम दोनों की उम्र समान थी और राजा प्रसेनजीत 5 वर्ष से बड़ा था। ये तीनों एक ही समय में एक दूसरे को जानते थे और ये जानते थे कारण उनको मालूम था कि सिद्धार्थ गौतम प्रामाणिक है। और इसलिए राजा बिंबिसार कहता है कि रुक, तुमको मैं आधा राज्य देता, कोई नहीं देता किसी को राजा। लेकिन क्या बोलता है वो, शब्द पर ध्यान दीजिए, क्या बोलता है, तुम्हें तुम्हारा राज्य छोड़कर तुम्हें वहां से चले आए हो, तुम्हारा राज्य छोड़कर आए हो तुम, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। तो सिद्धार्थ गौतम क्या कहता है, मैं पूरा राज्य छोड़कर आया हूं,
अगर मुझे राज्य आधा राज्य करना नहीं राज्य करना था तो मैं पूरा राज्य छोड़कर आया हूं। तो सिद्धार्थ गौतम को फिर राजा क्या पूछता है, संवाद अगर देखेंगे तो उसमें शब्दों पर ध्यान देना है हमें, क्या कहता है, फिर तुम राज्य छोड़कर क्यों आए हो, क्यों छोड़कर आए हो? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं राज्य इसलिए नहीं छोड़ा हूं कि वहां झगड़ा हुआ, इसलिए नहीं छोड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि समस्या देख रहा हूं, मुझे इस समस्या को पार करना था, इस समस्या का हल ढूंढना था, और इसीलिए नहीं तो मैंने क्या छोड़ा। तो उसको अपने शब्द में कहता है, क्या कहते, संवादोए घरावासो रज्जसायत नहीं थी, राजा मैं इसलिए घर नहीं छोड़ा हूं कि घर में सारे बाधा ही बाधा है। संवाद होए अर्थात संवाद होए घरावासो, घर में परिवार में बाधा ही बाधा है, समस्या ही समस्या है, एक समस्या बताऊ तो नहीं कई समस्या है, और ये समस्याओं का निराकरण ही नहीं हो रहा था, और इस समस्या को देखकर, इन अड़चन को, इन बाधाओं को देखकर मैंने घर छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे उन्होंने छोड़ने के लिए कहा, मैं समस्या देख रहा हूं महाराज उसमें, संवाद हो ये घर आवास हो। जब ऐसा उत्तर दिया तो राजा चुप हो गया। तो हमारी समस्या क्या है, हमारी यही समस्या है, तो हमें इस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें बुद्ध को अपनाना पड़ेगा, बुद्ध समझना पड़ेगा, बुद्ध की जीवनी समझनी पड़ेगी, सिद्धार्थ गौतम की जीवनी समझनी पड़ेगी, एक 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 उनका क्या क्या, उनके साथ में ग्रह त्याग से लेकर वहां तक क्या क्या हुआ, उसमें हमें बोधिसत्व का जीवंतपन हमें दिखाई देगा, और फिर हमारे मन में आएगा कि नहीं तो हमें भी निंदा से लाभ सत्कार से बाहर निकलना है। और ये सब, ये जो आठवीं नवी और दसवीं सेना है, निंदा और प्रशंसा और लाभ और सत्कार, ये लाभ सत्कार और निंदा और प्रशंसा ये नवी और दसवीं सेना है, और इसी में हम गुरु फटे हैं, हम इसी में बंधे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें रास्ता हमारे लिए कौन सा चुनना पड़ेगा, बुद्ध को समझना पड़ेगा, बुद्ध की स्पष्टता लानी पड़ेगी, और हमें बोधिसत्व का कार्य करना पड़ेगा। जैसे शांतिदेव ने कहा कि मुझे दूसरों के दुख के लिए मदद करना है, कुछ ना कुछ हाथ भार लगाना है, ऐसा कार्य करेंगे तो हम निंदा से बाहर जाएंगे, हम लाभ से बाहर जाएंगे, और एक दिन निश्चित हम एक पूर्ण बोधिसत्व बन सकेंगे। तो मैंने आपके सामने